हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूट्यूब के सुपर इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सपने में पपीता देखने की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, एक छोटे स्वप्न होते हैं, चाहे शुभ स्वप्न हो या अशुभ स्वप्न हो, इस प्रकार के छोटे स्वप्नों का फल अवश्य प्राप्त होता है। जो लंबे स्वप्न होते हैं, जो निद्रा अवस्था में अधिक देर तक देखे जाते हैं, तो ऐसे स्वप्न अक्सर झूठे होते हैं, चाहे शुभ सपने हो या अशुभ सपने हो, इनका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। अगर प्राप्त होता है तो बहुत कम ही फल प्राप्त होता है। सबसे अधिक फल प्राप्त होने वाले स्वप्न छोटे स्वप्न होते हैं, जो कम देर में देखे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया सुपर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं स्वप्न फल के बारे में। यदि आप सपने में पपीता का पेड़ देख रहे हैं, तो सपने में पपीता का पेड़ देखना या पपीते लगे हुए देखना या पके हुए पपीते लगे हुए देखना, ये सारी अवस्थाएँ बताती हैं कि आपका आने वाला समय है वो अच्छा है और आपका जो सेहत है वो सही और सुदृढ़ बनी रहेगी। ये काफ़ी समय तक आपके आसपास कोई भी समस्या न रहने का संकेत होता है कि ये समय आपके लिए अच्छा है, आपके अनुकूल समय है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप सपने में पपीता को खाते हुए देख रहे हैं कि आप पपीता खा रहे हैं, तो भी बेहद अच्छा शुभ सपना होता है। इसका अर्थ होता है कि आप काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। ये आप कई महीनों तक या कई सालों तक आपको लगातार धन प्राप्त होते रहने का संकेत होता है। तो ये विशेष शुभ सपना होता है सपने में पपीता खाते देखना, पपीता का पेड़ देखना, पपीता तोड़ते देखना या पपीता के पेड़ पर आपको चढ़े हुए देखना। ये सारी अवस्थाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं। सभी अवस्थाओं में आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। सपने में यदि सड़े हुए पपीते देखते हैं कि जो खाने योग्य नहीं है, तो ये आपके धन में हानि कराता है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक कष्ट प्रदान कराता है। सपने में अच्छे और साबुत पपीता को देखना ही शुभ माना जाता है। तो मैंने जो आपको जानकारी दी, कैसी लगी? आप हमारे सुपर इंडिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।